अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। आज मसूदिया अरबिक हाई स्कूल में यूपीएससी सिविल सर्विसेज फ्री कोचिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम रखा गया है। ये एग्ज़ाम एमएसआईएस एकेडमी हैदराबाद की जानिब से हिंदुस्तान के 24 स्टेट्स में 90 सेंटर्स में कंडक्ट हो रहा है। अभी इसी वक्त सेमिनटेनियसली 2 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारे लिए खुशी इस बात की है, हमारे आधुनिक के ग्रेजुएट्स सिविल इन 30 एस्पिरेंट्स को, मैं तमाम एस्पिरेंट्स को मुबारकबाद देना चाहूँगा मिल्लत एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से। और इसी तरह से मसूदिया स्कूल के जिम्मेदारों का, स्टाफ का मैं तहदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरह से आधुनिक के तमाम स्टूडेंट्स, वो डिग्री के हो, इंटर के हो, टेंथ के हो या फोर्थ या फिफ्थ क्लास के हो, जब कभी भी मिल्लत एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाती है तो इसमें हिस्सा लें। मैं तमाम आधुनिक के पेरेंट्स से मैं दरख्वास्त करता हूँ, जब कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आते हैं तो इसमें हिस्सा लें। और हमारे लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये अल्लाह ताला का लाख एहसान है, उसका शुक्र है, उसका करम है कि हमारे पास मिल्लत एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी तकरीबन लास्ट 3-4 साल से तो बहुत प्रोएक्टिव है। ये सेकेंड एडिशन है ISIP एजुकेशन में, वेलफेयर में। मैं ख़ास तौर पे आज एजुकेशन और ISIPS और हमारे जितने नौजवान लोग हैं उसको किस एंगल से देखें और इसकी क्या ज़रूरत है। मेरे दोस्तों, दुनिया बदल गई है, बदल नहीं रही है, बदल गई है। वो दुनिया नहीं है जब हम नौजवान थे आपकी तरह, आज की दुनिया हम जो छोड़ के जा रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें सिर्फ कॉम्पिटिटिवनेस नहीं रहेगा, चैलेंजेस नहीं रहेंगे, और खैर इसमें आपको ऐसे इन्वायरमेंट के साथ कन्फ्लिक्ट करने की ज़रूरत होगी जो इतना आसान नहीं रहेगा। हम लोग शायद आपके बीच में नहीं रहेंगे, मगर ये बात आपको याद रहेगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद जो लोग वक्त के साथ नहीं रहेंगे, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाएंगे और ख़ास तौर पे दुनिया के बदलते हुए ट्रेंड्स को नहीं समझ पाएंगे, तबका हो, जमात हो या एक फ़िरका हो या एक ख़ास तौर पे मैं आपको बता दूं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, उन लोग उनकी सोच अलग होती है, डायनेमिक्स अलग होते हैं। ये नहीं कि हम लोग टाइमली जैसा सोचे और बुखार आ गया तो दवा ले लिए या आ गया नहीं, वो बहुत दिन पहले ही वो सोच के रखते हैं। तो उन लोगों ने एक ग्लोबल ट्रेंड्स का एक सर्वे करते हैं, कई सालों से चल रहा है, मैं रिसेंट सर्वे की बात कर रहा हूँ आपको। उन लोगों ने बता दिया कि आने वाले कुछ सालों में कौन सी कंट्री कितनी पोटेंशियल रहती है, कितनी चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडाप्ट करेगी, एजुकेशन में कितना एक्सेल करेगी और कितना ज़्यादा उन लोगों का स्टिमुलेशन है जो उनको एक 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 बदलते हुए साइंटिफिक एनवायरनमेंट में उनको मर्ज कर सकेगा। देखिए, वक्त ऐसा आ गया है, हम देखते देखते हमारी ज़िंदगी में हम देखेंगे। आपको एक अच्छा, पहले क्या था कि आपको एजुकेशन जो मिलता है वो डिग्री के लिए लेते थे हम, डिग्री वॉज अल्टीमेट, डिग्री वॉज लास्ट यू नो पेडेस्टर ऑफ अवर एजुकेशन का, उस पर खर्चे करते थे। आज मैं अपनी ज़िंदगी में देख रहा हूँ, मैं जब एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था तो जब मैं इंटरव्यू में बैठता था तो मेरे जो बटालियन बाहर होती थी, एक ओरिजिनल वेरीफाई करते थे, सर्टिफिकेट्स वेरीफाई करते थे, फ़ोटो वेरीफाई करते थे, उसके बाद जो सर्टिफिकेट रहेगी करेगी कर देते थे। आज आप नहीं देखा होगा कि आपकी सर्टिफिकेट बताओ,
वो जमाना चले गया। व्हाट इज एक्चुअली आपकी पोटेंशियल क्या है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपकी डिलीवरेबिलिटी क्या है, हाउ मच यू आर एक्शनेबल, हाउ मच यू आर डिलीवरेबल, हाउ मच यू आर डूएबल, ये चीज़ें माने। आप क्या कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं, नई चीज़ क्या बता सकते हैं, हटके क्या कर सकते हैं। रन ऑफ द मिल अगर जो है नो मशीन में, एक मिनट और ले लूँगा, आज मुझे आपको सुनना होगा, क्योंकि गेहूँ की मशीन में गेहूँ डाले तो आटा तो गेहूँ आता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर गेहूँ की मशीन में डालने आटे के साथ समोसा बन के उसके साथ ही पैकिंग करें, वैल्यू एडिशन इज द है, डॉलर है, यू नो दिस इज द व्हाट अभी भी बोलते हैं। क्या जमाना, अभी यूरो बड़ी करेंसी नहीं है, डॉलर बड़ी करेंसी नहीं है, आइडिया है, माइक्रोसॉफ्ट इज आइडिया, एक चेंज है पूरा एनवायरनमेंट में, उन्होंने पूरा एक चेंज कर दिया। तो आइडिया इज द बिगेस्ट करेंसी, जिसके पास आइडिया है उसके पास सबसे दुनिया से बड़ी करेंसी है। तो मेरा बोलने का मकसद ये है, आपकी डिग्री सिर्फ आपके तालीम में पढ़ाए गए हुए खर्चे की एक रसीद है। आपकी डिग्री आपके डिग्री को पढ़ाने करने में जो पैसे लगे हैं उसकी रसीद है। माय आइडिया ऑफ सेइंग आईएएस आईपीएस एग्जाम्स आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं। ब्रिटिश जमाने से आईएएस आईपीएस को इतना ज्यादा उन लोगों को क्यों हुक्म, वो तो राजाओं के जैसा रहते थे ब्रिटिश जमाने में, और आज भी सबसे ज्यादा अगर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स किसी के पास हैं जो गवर्नमेंट रूल करने के लिए, गवर्नेंस चलाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने, इस आईपीएस ये क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको तालीम के साथ आउट ऑफ बॉक्स हट के सोचने में, हट के बताने में, हट के सोच के आपको इम्प्लीमेंट करने में, ऐसे चीज़ों में आपको ट्रेन किया जाता है। आप जब एग्जाम्स देखेंगे, सम मे बी एकेडमिक, मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल वेल एटलीस्ट जस्टिफाई एक्शनेबल की आपकी काबिलियत कितनी है, ये आपको देखना पड़ेगा। मेरा बोलने का मकसद है, आप जब भी जाओगे अपने दोस्त अहबाब वगैरह से करेंगे, आज की जिंदगी में अगर आपको एक्सेल करना है तो आपके कौमों के लिए आपको एक अच्छा तालीमी याफ्ता होना ज़रूरी है। सिर्फ तालीमी याफ्ता होना नहीं है, उसमें आपको कम से कम है ना 3-4% 5% लोगों को हमारे आईएएस आईपीएस बनाना है, कुछ लोगों को हमारे साइंटिस्ट बनाना है, कुछ आउट ऑफ बॉक्स ये चैलेंजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काउंटर करना है। हम लोग सिर्फ आज के ज़माने में यही सोच रहे हैं कि, बुरा नहीं मानना, मैं आपको बहुत ही माफी और इज्जत के साथ सोच रहा हूँ, हम लोग सुपरफिशियल काम को ज्यादा कर रहे हैं। द फंडामेंटल्स आर चेंज नाउ, वी हैव टू लिव विद द फंडामेंटल्स चेंज एनवायरनमेंट विद अ चेंज डायनामिक चेंज, आपको एक माहौल पैदा करना पड़ेगा। तो आईएएस आईपीएस जो ये मिल्लत एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी कर रहे हैं, इलियास साहब हैं, खलील साहब हैं और उनके बहुत सारे साथी हैं, मैं अक्सर उनसे मिलते रहता हूँ, उनका जुनून और जज्बा और उनको हमेशा देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके बेटी की घर में शादी हो रही है, बहन की शादी हो रही है, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और इतना दे गए आउट ऑफ देयर वे एंड ट्राई टू डू इट। मैन है जिसके साथ जुड़ना हमारा अखलाकी फर्ज हो जाता है, ये तंजीम ये है, उसके साथ जुड़े तो आप समझ लो ऑटोमेटिकली एक दो लोगों की फायदा कर रहे हैं, 10 लोगों का फायदा कर रहे हैं, उसको एक कुछ नहीं करने वालों के सामने एक स्माइल कर दो, एक जरा हंस दो उनके सामने, उनकी हिम्मत अफजाई होगी। आपके पैसों की जरूरत नहीं है, आपकी टाइम की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा साथ दो ताकि उन लोगों का जोश जुनून और आगे बढ़ते चले, अल्लाह उनसे और खिदमत लेते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया और आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सुना, खुदा हाफिज़। Dear aspirants who are going to attend for this examination, first of all, I congratulate you. You have come forward to test yourself and go for that one. Especially, I have stand here to convey one message. Recently, we had been to Kerala. In Kerala, one institution was there, guidance and counseling. Those people have conducted a survey. Why especially Muslim community is not represented proportionately in UPSA?
That is IAS, IPS, civil services. Why our community have not been represented when our population is 15 to 20%? The wonderful thing they have come out with this is that they are having a capacity, they are capable, but only the thing is neither the society is motivating them nor they themselves are going towards that side. What is happening? Every student who is getting admissions into a college after completion of the school, everyone wants to write the IITs, NEET and others. Complete mind is oriented towards that side. Even though you are having a capacity, if you put some effort, certainly you will become the successful in UPSC examinations. But we are not moving that side. It's not that you don't have the capacity. You are having, but we are not being motivated or directed to move that side. That is the biggest problem. So it is a necessity. First, we have to get the confidence within ourselves. We are not less than others. We are having, but only the thinking we are not putting the right effort in the right direction. That's the biggest problem. That is why we are not successful. Otherwise, you may be wondering, even the student from Madrasa board, they are clearing these UPSCs. When a student with the backing of the Madrasa board examination, when they are successful, you have been educated in corporate schools and all, why you are not? Why we don't get the confidence that we too can do that one? Our students in IITs needs many ranks they are getting. Only in this field we are lagging behind. This is very, very important and essential. Because when you people are there in that field, you can make the balance in this secular society. If our people have been away from this, then we can't blame others who are taking the decision, it is against us or something. It is our core responsibility. We have to enter, we have to render our services, we have to understand. Then only it's possible. When in administrative side, if you are not entering, blaming someone that they are not doing in our favor, they are doing this and that, who are responsible? We are having the opportunity, we are all equal, but only the thing is we have to prove ourselves, we have to work hard and successful and get up to that one. Otherwise, just sitting and blaming others is not the solution for our problems. I wish you success in this examination, and in future also, every year they are going to conduct this one. You make prepare yourself. This time we have very little time, we are unable to convey to many students. Next time onwards, I request all the students, for whole year you prepared and prove yourself. Because when MS Academy is approached up to the Adoni and they want to select the talented candidates from this area and they want to give extensive training for you, coaching for you for the whole year with free residence and all, with full material. Last year they did, 4 students got selected in that one, and we wish that this number should grow year by year, so that it will be helpful for us. With this, I will make you the dua that you will get successful examination. Thank you for giving the opportunity. Thank you very much.